क्यूबिक बोरॉन, नाइट्राइड, पॉली क्लेस्ट्रीन, डायमंड। ठीक है, ये अपने कटिंग टूल मटेरियल्स पढ़ने हैं। कटिंग टूल के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? हार्डनेस, कैपेबल ऑफ मशीनिंग ए रेड हार्डनेस ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो रेड हार्डनेस होती है उसके बारे में। वेयर रेजिस्टेंस और शॉक रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंस एबल टू मेंटेन शार्पन्ड एज थ्रू आउट दी कटिंग, जो शार्पन्ड एज हो जाता है थ्रू आउट दी कटिंग प्रोसेस वो होती है आपकी वेयर रेजिस्टेंस। शॉक रेजिस्टेंस एबल टू कटिंग लोड और फोर्सेस जो लगती हैं उसके अकॉर्डिंग शॉक रेजिस्टेंस होता है। शेप एंड कॉन्फिग्रेशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूज इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, ये डिफरेंट साइजेस और शेप्स के लिए यूज होता है। हाई स्पीड स्टील में कॉम्बिनेशन ऑफ टंगस्टन, क्रोमियम, बेंडियम, मॉलिबेंडियम, कोबाल्ट, ये सबका मिक्सचर होता है हाई स्पीड स्टील। कैन टेक हैवी कट्स, ये जो है हैवी कट्स करता है, विदस्टैंड ऑफ शॉक एंड मेंटेन शार्प कटिंग एजेस। ठीक है, जनरली जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, मॉलिबेंडियम और टंगस्टन। कोबाल्ट एडेड इफ मोर रेड हार्डनेस डिजायर्ड। कास्ट एलॉय में क्या है? 25 to 35% क्रोमियम रहेगा, 4 to 25% आपका टंगस्टन रहेगा और 1 to 3% आपका कार्बन रहेगा। क्वालिटीज क्या क्या है इसकी? हाई हार्डनेस है, हाई रेजिस्टेंस और एक्सीलेंट रेड हार्डनेस। ऑपरेट 2.5 times स्पीड ऑफ हाई स्पीड स्टील, 2.5 हायर स्पीड टाइम्स हायर स्पीड होती है। वीकर एंड मोर ब्रिटल देन हाई, वीकर होता है और मोर ब्रिटल होता है हाई स्पीड स्टील से। ठीक है, कार्बाइड कटिंग टूल फर्स्ट यूज्ड इन जर्मनी, जर्मनी में पहले यूज किए गए थे। सुटेबल फॉर डायमंड्स, ये डायमंड्स के लिए सुटेबल हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड्स वेल टू सूट डिफरेंट मटेरियल्स, जो वेरियस टाइप्स के कार्बाइड्स हैं ये डिफरेंट सूट कर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट सूट करते हैं। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन गुड वेयर रेजिस्टेंस, ऑपरेट एट स्पीड रेंजिंग 150 to 1200। कैन मशीन मेटल स्पीड दैट काउज कटिंग एजेस बिकम हॉट विदाउट लूजिंग हार्शनेस, विदाउट लूजिंग हार्शनेस बिकमिंग रेड। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड कैसे मैन्युफैक्चर करते हो? प्रोडक्ट ऑफ पाउडर में, पाउडर मेटलर्जी में बना लेते हो उसको। टेंटेलियम, टाइटेनियम और नियोबियम। ऑपरेशंस क्या क्या हैं इसको करने के? ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्शन, प्रेजेंटिंग और सिंटरिंग। सीमेंटेड कार्बाइड के एप्लीकेशंस यूज एक्सटेंसिवली इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल कटिंग टूल, एक्सट्रीम हार्डनेस एंड गुड वेयर रेजिस्टेंस। गुड वेयर रेजिस्टेंस के लिए है ये। फर्स्ट यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशन एज लेथ कटिंग टूल, ये फर्स्टली यूज किया जाता है लेथ कटिंग टूल के लिए। मेजोरिटी आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड ऑन लेथ मशीन्स, लेथ्स एंड मिलिंग मशीन्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ और मिलिंग मशीन के ऊपर किया जाता है। टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड की आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं पढ़ लेना। कोटिंग टाइटेनियम कार्बाइड हाई वेयर एंड एब्रेशन मॉडरेट स्पीड। टाइटेनियम नाइट्राइड एक्सट्रीमली हार्ड गुड ग्रेटर। ये टूल जो मैंने दिखाई गई है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। कटिंग टूल टर्म्स कौन कौन सी हैं? फ्रंट एंड रिलीफ एंड और रिलीफ एंगल, ये साइड रिलीफ। साइड रिलीफ इज अ परमिट साइड ऑफ टूल टू एडवांस इनटू वर्क। एंगल कटिंग एजेस मीट वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोजेक्ट। नोज रेडियस स्ट्रेंथ फिनिशिंग पॉइंट ऑफ टूल,
improve surface finish on work. साइड रेक एंगल हो गया, बैक रेक एंगल, सीमेंटेड कार्बाइड वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स, हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल, वर्क पीस मटेरियल और टाइप्स ऑफ कटिंग ऑपरेशन. मेटल कटिंग कैसे हो रही है इसमें वो दिखाया गया है. ड्यूरिंग टर्निंग, शेपर एंड प्लेनर, मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू. ड्रिलिंग जो है मल्टीपल एजेस टूल दैट कट ऑन द पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कटिंग करता है, बट मल्टी एजेस टूल होता है वो जो कि रोटरी मोशन में घूमता है. ड्रिल कटिंग एजेस प्रूफ विद लिप क्लियरेंस टू परमिट पॉइंट टू पेनिट्रेट वर्कपीस एंड ड्रिल रिजॉल्व्स. रेक एंगल प्रोवाइड्स बाय हेलिकल शेप फ्लूइड. रेक एंगल जो है एंगल ऑफ नीनेस, एंगल बिटवीन रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिल पॉइंट, कुछ पूछना है गुरकिरत? इसमें कोई क्वेरी रहेगी वो भी? चलो ठीक है, अपना ध्यान से पढ़ लेना एमएसटी के लिए.